So hi everyone, this is Dr. Aman Tilak. I'm currently pursuing my MD at Department of Nuclear Medicine at AIIMS New Delhi. आज का जो वीडियो है बहुत इंस्पायरिंग होने वाला है आप सभी के लिए. आपने 500 टॉपर के इंटरव्यूज देखे होंगे, लेकिन आज की स्टोरी में हमारे साथ है आनंद अंसारी. 2018 में इसने जो है वो क्लास 12th पूरी की, और तब से लेके आज तक 5 साल हो चुके हैं. 2023 में इसके 644 मार्क्स आ रहे हैं, और इसे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वो भी अच्छा अपने स्टेट से ज़रूर मिल जाएगा. सो आनस प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. क्या कर रहे थे पिछले 5 साल? सर, माय नेम इज़ अनस अंसारी एंड आई एम फ्रॉम शाहजहांपुर बरेली उत्तर प्रदेश. आई हैव डन माय 12th इन 2018 एंड आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट. कि जो एवरेज स्टूडेंट होता है, जैसे कि उसे मतलब इतनी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, और नीट के बारे में इतना पता नहीं था कि MBBS करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए नीट भी क्वालिफाई करना पड़ता है और इसी कोचिंग भी होती है. तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई करियर. तो मदर फादर ने, मेरे माँ बाप ने मुझे MBBS करने के लिए भेज दिया था. यहाँ पर मैंने 2018 में BSc ज्वाइन कर ली थी. कौन से सब्जेक्ट में BSc ज्वाइन की? केमिस्ट्री. राइट. और क्लास 10th और 12th में तुम्हारे क्या बोर्ड्स में परसेंटेज थे? क्लास 12th में मेरे 84.4% थे. ओके. और क्लास 11th 12th में तुमने कोई भी कोचिंग नहीं की नीट से रिलेटेड? एक्चुअली सर, इवन आई क्लास 11th में मैंने बोलो, मुझे इतना भी नहीं पता था कि फिजिक्स में कितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के नेम भी क्या है. राइट. ठीक है, तो वहां से तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हुई. अब BSc कब, कौन से ईयर में कंप्लीट हुई तुम्हारी? और यहां पर तुम्हें कहीं ना कहीं समझ में आया कि डॉक्टर बनना चाहिए, ऐसा कौन सा रीजन था जिससे तुम्हें लगा कि डॉक्टर ही बनना चाहिए? BSc तो मजे में हो गई थी, लॉकडाउन था, घर पे रहे. उसके बाद मुझे सोचने लगा था कि मैं करियर क्या चूज करूँ, मैं करूँगा क्या लाइफ में. BSc तो हो गई थी जैसे तैसे, लेकिन फिर माँ बाप ने मुझे कहा कि नीट के लिए क्यों नहीं ट्राई करते हो. एक्चुअली मेरे कज़िन है, वो भी मेडिकल स्टूडेंट है, तो उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस के लिए मोटिवेट किया कि नीट के लिए ट्राई करो, तुमने कोई अटैम्प्ट नहीं दिया है और तुम, मुझे लगता है तुम कर सकते हो. तो फिर मैंने 2021 में पहला अटैम्प्ट दिया विदाउट एनी प्रिपरेशन, जिसमें मेरे 414 मार्क्स आए थे. फिर मैं डिसाइड किया कि मैं अब कोचिंग करूँगा, क्योंकि मैंने विदाउट एनी प्रिपरेशन अटैम्प्ट दिया था, मुझे लगता कि मैं कर सकता हूँ. फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था थोड़ा बहुत. फिर मैंने ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया था कोचिंग. ऑनलाइन में मेरे साथ ये प्रॉब्लम फेस आई कि मैं वहाँ पे रेगुलर नहीं हो पाता था, बैकलॉग मेरा बहुत हो गया था, और इस वजह से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में सब बैकलॉग हो गया था. इस वजह से 2022 में मेरा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा था, और मेरा 2022 में जो स्कोर रहा था 457 रहा था. ओके. अब 2022 से 450 स्कोर से अप्रोक्सीमेटली 200 नंबर कैसे इंक्रीज किया तुमने एक साल के अंदर में? 2022 रिजल्ट के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ऑनलाइन तो नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उसे कोप अप नहीं कर पा रहा था. मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं अलीगढ़ में ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करूँगा और रेगुलर रहूँगा, सारे टेस्ट दूंगा, TPP सारी दूंगा और सारे मॉक दूंगा. और मैंने ज्वाइन कर लिया था अगस्त में ऑफलाइन कोचिंग. यहाँ पे मैं रोज़ रेगुलर रहता था और रोज़ DPP होती थी, तो उन्हें सॉल्व करता था, उन्हें एनालाइज करता था, और जिस तरीके से टीचर्स बताते थे कितने मॉड्यूल्स करना है, कैसे क्वेश्चन करना है, वो सारी चीज़ें मैं करता था. और बायो की मैं सिर्फ NCERT प्रेफर करता था और उसके रोज़ पढ़ता था. ओके, ग्रेट. और जो मैं तुमसे चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो तुम लेट से 2022 की प्रिपरेशन में, जिसमें तुम्हें 450 नंबर लाए, उसमें तुम ऑनलाइन टेस्ट दे रहे थे कहीं ना कहीं, और यही तुम शिफ्ट हो गए थे 2023 की प्रिपरेशन में, वही तुम पेन एंड पेपर मोड में टेस्ट दे रहे थे, क्या कोई फर्क था इस चीज में या फिर दोनों सिमिलर था? फर्क था एक्चुअली. हम देखें सर, तो नीट पेन एंड पेपर मोड एग्जाम है, तो हमें उसके लिए वैसे ही तैयार होना पड़ेगा पेन एंड पेपर से. ऑनलाइन में सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आती थी कि कभी भी मन हुआ दे दिया, मन हुआ नहीं दिया, उसको टाइमिंग नहीं रहती थी फिक्स. और ऑनलाइन में सर ये था कि कभी कभी नहीं भी देते थे, प्रोक्रेस्टिनेशन आता था तो नहीं भी देना पड़ता था. ऑफलाइन में ये सिर्फ वहाँ जाओ तो नीट का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, बच्चे आपके बैच के वो पूरा जो एनवायरनमेंट है जो कि तुम्हारा एग्जाम हॉल है वो स्टिमुलेट होता है,
और वही तुम अपने एग्जाम दे रहे हो घर पे बैठ के ऑनलाइन फोन पे, तो लेटे हुए हो फोन हाथ में रखे हुए हो, आ मार्क कर रहे हो, बीच में मम्मी आ गई खाना खाना लेते हुए, तो वो पूरा एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। सो देखो माई सजेशन टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स ओवर हेयर इज कि भाई तुम चाहे ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करो या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज तो जरूर ज्वाइन करो। किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के ज्वाइन कर सकते हो। तुमने कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अपनी कोचिंग के अलावा भी ज्वाइन की थी? अच्छा, एंड सिमिलरली मैंने भी देखो आई हैड ज्वाइंड द टेस्ट सीरीज फ्रॉम एलेन, आकाश का मैं क्लासरूम स्टूडेंट था। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप जितने ज्यादा से ज्यादा जो है वो टेस्ट अटेम्प्ट करो, है ना। आज की डेट में आप कोई भी ऑफलाइन जो है वो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की, आप जो मन करे वो आप इंस्टीट्यूट कर लो। दो तीन मैं जो टॉप नेम है वो बोल दे रहा हूँ, आकाश, एलेन, पीडब्ल्यू, सब अच्छी है ना। एंड प्लीज रेगुलरली वो टेस्ट सीरीज जो है वो अटेम्प्ट करो, है ना। ऑनलाइन स्टडीज इज ऑल्सो इक्वली गुड एंड मच मोर अफोर्डेबल, 10x, 20x, 30x मोर अफोर्डेबल। जहां पर आपको 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ रहा है आपके ऑफलाइन की स्टडीज में, वहां पर आपको 3 से 4 हजार रुपए में पूरे साल की आपकी ऑफ जो है वो आपकी ऑनलाइन प्रिपरेशन हो जाएगी। दूसरी चीज, टेस्ट सीरीज अगर आप ऑफलाइन भी लोगे तो मैक्सिमम 3 से 4 हजार रुपए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के जो है वो कॉस्टिंग आएगी, है ना। इसके बाद ये बताओ मुझे, चलो टेस्ट सीरीज हो गई, तुम्हारा जो हो गई वो कोचिंग हो गई, इसके अलावा एनसीईआरटी के बेसिस पे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते थे? मतलब कि एनसीईआरटी सर, एनसीईआरटी तो हमारी जो बायो में तो मेनली एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, तो मैं एनसीईआरटी ही पढ़ता था लाइन बाय लाइन। और मैं ये करता था कि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन खुद क्वेश्चन बनाता था, लगभग अराउंड 2000 क्वेश्चन मैं ईच चैप्टर के बनाता था। तो उससे मैं एनालाइज करता था कि इस लाइन से इतने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन सकता है या नहीं बन सकता, तो मैं ये करता था। और पीवाईक्यू एनालाइज करता था तो लगता था कि हाँ इस टाइम से ये क्वेश्चन बना तो मैंने भी सही बनाया, तो ये भी आ सकता। राइट, सो तुम क्या करते थे कि सारे जो भी लाइंस से जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं, राइट, हर एक पेज से वो तुम बनाते थे और उसको फिर अटेम्प्ट करते थे। डिड दिस हेल्प यू? राइट, सो ऑल्सो मैंने कुछ यार अपने टेलीग्राम चैनल पे डाले थे क्वेश्चन, डिड यू हैव अ चांस टू गो थ्रू देम? जब मेरे पास फोन था, स्मार्टफोन था, तो मैं आपके चैनल में टेलीग्राम ज्वाइन किया था, तो उसमें मैं क्वेश्चन पोल आप जो कराते हैं वो बहुत अच्छा होता है, मैं रोज पोल करता था जब आप डालते थे क्वेश्चन। राइट, सो मतलब वो मैं इसलिए देखता था कि देखो बहुत सारे एनसीईआरटी में, देखो मैं एक चीज बोलता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना एक चीज है, एनसीईआरटी रिटेन करना दूसरी चीज है, एनसीईआरटी को पेपर में अप्लाई करना तीसरी चीज है, और एक्चुअली अपने प्रॉपर माइंडसेट के साथ जो है, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना, वो चौथी चीज है ना। सो ये चारों चीजें डिफरेंट है, उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। एंड दैट इज वाई वॉट इज इम्पॉर्टेंट कि भाई तुम एनसीईआरटी केवल पढ़ो मत। आज की डेट में जब नीट का जो कट ऑफ है, तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा, 6644 इसके नंबर है ना। वॉट इज योर रैंक? 8814। राइट, यही अगर तुम 2016 में चले जाओगे 640s में, यार तुम्हारी यार टॉप 100 के आसपास तुम हिट कर रहे होते थे रैंक, राइट, है ना। सो प्लीज अंडरस्टैंड कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एक एक नंबर पर तुम ऐसे समझो 710 वाले बच्चे को भी, बहुत ऐसे बच्चे जिनको नीट में एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है, क्या करोगे? सो यू कैन नॉट मेक सिली मिस्टेक। हाँ देखो, सिली मिस्टेक आपकी इंप्रूव हो सकती है, वो रिपीटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस है। देखो एक पॉइंट तक आप जरूर उसे इंप्रूव कर सकते हो, एक पॉइंट के बाद फिर आपका लक का मैटर है, बट आई बिलीव कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, जितने पॉसिबल है उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि बच्चे करते नहीं है, वो सोचते हैं कि बायो में केवल एनसीईआरटी पढ़ ली, दैट्स ऑल। 1/3 ऑफ योर टाइम इन बायोलॉजी शुड बी डेडिकेटेड टू एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिजिक्स में मैं आपकी बात कर दूं कि भाई आपका 80 से 90% टाइम आप फॉर्मूलाज रिवाइज करने को, कंसेप्ट पढ़ने के अलावा, उसके अलावा जितना भी टाइम है सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में लगाना है। केमिस्ट्री में भी मैकेनिज्म हो गया, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री का, आपके क्वेश्चन हो गए, न्यूमेरिकल्स हो गए, इवन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यू हैव टू एक्चुअली डू द डेडिकेटेड जो क्वेश्चन प्रैक्टिस। अनस व्हाट आई वॉज थिंकिंग इज टू ब्रिंग समथिंग, जैसे तुमने मेरा या टेलीग्राम चैनल आप सब लोगों ने देखा भी होगा कि मैंने बहुत अंदर से एनसीईआरटी से जो है, हर एक लाइन से जो है घुस घुस के जो है वो क्वेश्चंस बनवाए, है ना। इसी तरीके का अगर हम लोग इस तरीके का कुछ करें कि देखो दिस इज समथिंग विच इज नॉट एग्जिस्टिंग एनीवेयर, कि हर एक पेज से एनसीईआरटी से, है ना, जैसे बायोलॉजी की उठाई तुमने, है ना, पेज नंबर 26 to 34 तुमने पढ़ा, अब तुम्हारे पास अगर ये अपॉर्चुनिटी हो कि भैया इस 26 से 34 में जितने भी क्वेश्चंस जो है वो पॉसिबल है, एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड ध्यान में रखते हुए
वो तुम्हें एक फिल्टर लगाकर पॉसिबल है कि भाई मैं तुम्हें दे सकूं. सो दैट इज समथिंग, दैट इज वन प्रोजेक्ट दैट वी आर वर्किंग ऑन एंड होपफुली नेक्स्ट वीक वी कैन लॉन्च दिस, है ना. And I think that will be very helpful for the aspirants. What is your suggestion on this? Very good initiative, sir. ऐसा होता है कि बच्चे NCERT पढ़ लेते हैं लेकिन उसके जो जो एक्सट्रैक्शन क्वेश्चन होते हैं वो सर उन्हें पता नहीं होता किस टाइप के हम क्वेश्चन करें, और नीट भी वही पूछता है अंडरलाइन डीप लाइन्स में बिटवीन द लाइन्स क्वेश्चन पूछता है. तो ये सर बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. Right. So इसके अलावा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यार सारे जो ड्रॉपर्स हैं उनको क्या तुम सजेशन देना चाहोगे? कुछ ऐसे बच्चे हैं 2 साल 3 साल 4 साल ड्रॉप कर चुके हैं, एक सजेशन तुम्हें अगर उन्हें देना हो 2024 के लिए, व्हाट वुड दैट बी? मैं यही सजेशन दूंगा कि रेगुलर रहें, कंसिस्टेंट रहें और अपने आप को थोड़ा रिफ्रेश रखें. एक्चुअली मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैं अपने आप को रिफ्रेश रखता था, फ्रेश रखता था कि मैं जरा वो ना हो जाऊँ, एग्जॉस्ट ना हो जाऊँ पढ़ाई को लेकर. जितना ज़रूरत होता था मैं उतना पढ़ लेता था. उसके बाद मैं जो अपनी एक स्पोर्ट एक्टिविटी में करता था और जो मुझे वॉक पे चला जाता था तो ये सब करता था, तो इससे माइंड रिलैक्स रहता है और फोकस भी अच्छा होता है. और मैं ये कहूँगा कि कभी भी अपने दिमाग में ये ख्याल ना आए लाना कि मेरा नहीं होगा. मैं जब तैयारी कर रहा तो मेरे एक सेकेंड के लिए भी ये, एक मोमेंट के लिए भी ये थाट नहीं आया कि मेरा नहीं होगा सिलेक्शन. हमेशा मैं एक डायरी बनाई थी, उसमें मैं लिखता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. और एक और चीज़ कर सकते हो, अपने जो वो है सामने वॉल पे ऐसा नाम लिख सकते हो, डॉक्टर आनस अंसारी या फिर डॉक्टर जो भी आपके नाम हो, दैट कैन मोटिवेट यू एंड योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज. तो हर बार आप सामने देखोगे स्ट्रेस में या फिर नीचे पढ़ रहे हो, थोड़ा स्ट्रेस हुआ या फिर थोड़ा डिविएट हुआ तो ऊपर देखता है इंसान, तो तुम्हें वो जब चीज़ देखोगे बार बार तो दैट विल मोटिवेट यू टू फर्दर रीड एंड एक्चुअली नॉट गिव अप टिल द एंड. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल दोस्त जिनने वीडियो देखा है. ये वीडियो अपने सारे दोस्तों को शेयर करो जो कि डिप्रेस्ड है, कहीं ना कहीं दुखी हैं, उनका नीट कहीं ना कहीं अच्छा नहीं गया, ड्रॉप करने का प्लान कर रहे हैं. ओनली ड्रॉप इफ यू हैव दैट डेडिकेशन कि भाई तुम 2024 के लिए टाइम नहीं वेस्ट करोगे और डेडिकेटेडली अपना हर एक मोमेंट कोशिश करोगे कि पढ़ाई करोगे. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच आनस फॉर कमिंग टू दिस चैनल एंड गिविंग दिस इंटरव्यू. Okay, bye-bye everyone.